गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम मोमिन खान है और मैं आपको इसमें नेक्स्ट टॉपिक, ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का और इसके अंदर नया टॉपिक चल रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कि देखिए कोएफिशिएंट और के बीच में जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। आप और कोई भी इक्वेशन लेते हैं तो उस इक्वेशन के अंदर जो रिलेशन होता है, जैसे देखिए सम ऑफ जीरो होते हैं, सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, ये दो चीज होती है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि ये सम ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों का सम। मैंने बोला सम ऑफ जीरो, तो ये दो हमारे जीरो है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। एक आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया रिलेशन है कि भाई ये सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है ये जो एक्स स्क्वायर है ये वेरिएबल है और ये कोफिशियंट है। अब इन कोफिशियंट का इनका आपको रिलेशन बताना है कि इनका रिलेशन क्या है। तो देखिए जो हमारा सम ऑफ जीरो है वो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन में ए है। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ये वाला बी बी अपॉन में ए। उसी तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ये अल्फा इंटू बीटा है इक्वल टू ये सी और ये ए, सी अपॉन में ए। इस तरह से इनका आपस में रिलेशन होता है। अब देखिए इसमें एक नया टॉपिक आता है कि किस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें, हमें टू फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आपके पास जीरो है, अल्फा सम ऑफ जीरो भी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी है, दोनों चीज आपके पास, लेकिन आपको क्या है इक्वेशन बनानी है। हाउ टू फॉर्म अ इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखिए हाउ टू फॉर्म आ क्वाड्रेटिक, फॉर्म अ इक्वेशन, एक आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जब मैं यहां हूं तो चिंता नहीं कुछ भी। देखिए कैसे होती है, एक्स स्क्वायर सिंपल करो, ये याद रखो कि भाई एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यहां माइनस है, ये दिमाग में रखना है कि भाई सर ने बताया था कि माइनस है। अब सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, जीरो का सम करना है और ब्रैकेट ऑफ कर दिया मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपका प्रोडक्ट है ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये सम ऑफ जीरो क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही तो था सम ऑफ जीरो, मैंने आपको जब भी बताया था इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। देखिए ये है आपकी इक्वेशन करने का तरीका। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा सपोज करिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू 3 है, अल्फा प्लस बीटा देखिए हमारे पास 3 और 4 है, ध्यान रखिएगा ये जो 3 है ये अल्फा प्लस बीटा है, ऐसे ध्यान देना आपको, ये 4 जो है ये अल्फा इंटू बीटा है। कुछ नहीं करना यहां पर, आपको सिर्फ बोला है कि भाई इक्वेशन फॉर्म कर दो, आपके जो 4 दे रखे हैं उसके 3 और 4 आपके सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो यहां पर 0 दे रखे हैं आपका 3 और 4, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ये है, ये वाला पहला नंबर जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपकी 4, बस ये ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू ये है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है ये वैल्यू रखनी है। देखिए एक्स स्क्वायर लिया या माइनस करा, इसकी जगह रखा हमने 3 और यहां ब्रैकेट में एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, ये 4 है, तो यहां 4 रखा इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस करेंगे, प्लस माइनस 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 3x प्लस 4 आपकी इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। तो फिर डर कैसा, इक्वेशन फॉर्म होगी, आपका एक नंबर पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरी वाली वीडियो में कवर करेंगे।